नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संजय राउत ने नई महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्ता का एक और परिवर्तन होता है तो मुझे नहीं होगा आश्चर्य। अजित पवार विदर्भ के 3 दिवसीय दौरे पर, कहा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के लिए बड़े काम संभालना नामुमकिन, सत्र में सवाल उठाने की दी चेतावनी। और नागपुर के कलमनाथ फ्लाईओवर पर हुई 20 लाख की चोरी, पुलिस आगे की जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। संजय राउत ने नई महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा राज्य के मुख्यमंत्री कल दिल्ली के दौरे पर जा रहे थे। पिछले एक महीने में ये उनका दिल्ली का 5वां दौरा है। इसके पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साल में 4 बार दिल्ली नहीं आए और अभी के मुख्यमंत्री को महीने में 5 बार दिल्ली आना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री का लगातार दिल्ली आना महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है। शिवसेना के मुख्यमंत्री को कभी दिल्ली नहीं जाना पड़ा था। शिवसेना की हाई कमांड हमेशा मुंबई में ही रही है। हमेशा दिल्ली से लोग मुंबई आए और शिवसेना से चर्चा की, तो दूसरी तरफ अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हो सका है। महाराष्ट्र की राजनीति में 3 महीने से खेल चल रहा है। ये आत्मनिरीक्षण करने का समय है कि इस समूह को शिवसेना से बाहर निकाल कर क्या मिला और उन्होंने महाराष्ट्र को क्या दिया। 16 विधायक अयोग्य साबित होंगे, जो अपनी रक्षा के लिए दूसरी पार्टी में विलीन हो गए वो खुद को शिवसैनिक कैसे कह सकते हैं। शिवसेना सभी चुनाव लड़ेगी। असल में बीजेपी शिवसेना को तोड़ना चाहती थी। अगर महाराष्ट्र में सत्ता का एक और परिवर्तन होता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अभी तक मुख्यमंत्री सरकार नहीं बना पाए हैं। मुख्यमंत्री का लगातार दिल्ली आना महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, ऐसी प्रतिक्रिया संजय राउत ने व्यक्त की। मैं पाहिलं की काल राज्याचे मुख्यमंत्री हे पुन्हा एकदा दिल्ली स्वारीवर येणार होते, स्वारीवर नाही, पण अचानक रद्द झालं। मला असं वाटतं की गेल्या महिन्याभरातली त्यांची ही 5वी दिल्ली भेट होती। 5वी म्हणजे अनेकदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे वर्षातून 4 वेळा आले नाही आहेत आणि सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना महिन्यातून 5 वेळा यावं लागत आहे। याबाबत महाराष्ट्राच्या मनामध्ये खूप गोंधळ आहे। शिवसेनेचे मुख्यमंत्री जर कोणी म्हणून घेत असतील तर शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला कधी दिल्लीत यावं लागलं नाही। शिवसेनेचं हायकमांड हे काय मुंबईतच राहिले आणि मुंबईतच चर्चा होत राहिल्या, किंबहुना दिल्लीचे लोक मुंबईत येऊन शिवसेनेशी चर्चा करत होते। आपण पाहिलंच अगदी युती करण्यासंदर्भात सन्माननीय अमित शहासुद्धा मातोश्रीवर आले होते, त्यापूर्वीसुद्धा अनेक नेते येत होते, पण हे एक मित्रत्वाचं नातं होतं त्या काळामध्ये, त्यातून या गोष्टी घडत होत्या। पण आता 5 वेळा एका महिन्यात मंत्रिमंडळाची स्थापना अद्याप होऊ शकली नाही। 2-1 महिना झाला तरी दोघांचंच कॅबिनेट बेकायदेशीरपणे निर्णय घेत आहे, त्यातून महाराष्ट्राला काय मिळत आहे आणि त्यांच्या गटाला काय मिळत आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे। एकंदरीतच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा खेळखंडोबा गेला 1 महिन्यापासून सुरू आहे। या गटानं शिवसेनेतून बाहेर पडून नक्की काय मिळवलं आणि महाराष्ट्राला काय दिलं याचं आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली। कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये संविधानाच्या आणि कायद्याच्या विरोधामध्ये कोणतेही न्यायमूर्ती निकाल देणार नाहीत याची आम्हाला खात्री असल्यामुळं 16 आमदार हे अपात्र ठरतील 10th शेड्यूलनुसार हे नक्की, किंवा त्यांना स्वतःचा बचाव करण्यासाठी दुसऱ्या एखाद्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल, मग ते स्वतःला शिवसैनिक कसे म्हणणार।
त्यांना एखाद्या पक्षाचा आसरा घ्यावा लागेल. अशावेळी यातले किती आमदार हे दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हायला मानसिकदृष्ट्या तयार आहेत याची संपूर्ण कल्पना आमच्याकडे आहे. आमदार आमच्या संपर्कात आहेत आणि भविष्यामध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झालं तरी आश्चर्य वाटण्याची कारण गरज नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. इस फैसले के बारे में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में आज गणेश उत्सव और दही हांडी के संबंध में पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में मार्च 2022 तक के सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है. इसी के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे कोविड दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले भी वापस लेने का फैसला लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इंटरव्यू देंगे और फिर बयानबाजी कर उन पर हमला बोला जाएगा. इससे राज्य की समस्याएं हल नहीं होंगी. राज्य में 10 लाख हेक्टेयर कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. विपक्ष के नेता अजीत पवार ने आरोप लगाया है कि किसानों को जो पर्याप्त मदद दी जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली है. नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने नागपुर में किसान के बयान के बारे में जानने और सत्र में सवाल उठाने की चेतावनी दी है. वो नागपुर विदर्भ के 3 दिवसीय दौरे पर है और उन्होंने नागपुर में मीडिया से बात करते समय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. सांगितलेलं होतं की बाबा ओला दुष्काळ जाहीर करा, कारण बरेचसे लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या भागातले मुंबईमध्ये येऊन ज्यावेळेस भेटले आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये देखील प्रिंट मीडियामध्ये देखील माहिती ज्यावेळेस पाहायला मिळाली त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणावर पिकांचं नुकसान झालेलं आहे. पहिले जी काही पेरणी केलेली होती ती वाया गेली. दुबार पेरणीचं संकट आहे. शिवाय बऱ्याचशा ठिकाणी रोपं देखील लावलेली होती ती सडून गेली आणि त्याच्यामुळं नवीन रोपं शेतकऱ्यांना मिळण्याची गरज आहे. आणि खूप ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या शेतामध्ये पाणी साठल्यामुळं एवढं मोठं नुकसान झालेलं आहे. शेतीचे बांध तुटलेले आहेत. वेगवेगळ्या भागातले रस्त्याची दुर्दशा झालेली आहे. ब्रिजेस त्या ठिकाणी वाहून गेलेले आहेत. अशी सगळी परिस्थिती असताना जरूर राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री येऊन गेले, परंतु त्यावेळेस त्यांना गडचिरोलीचा जो दुर्गम भाग आहे आतला भाग आहे तिथं जाताही आलं नाही, कारण पाणी जास्त होतं आणि गाड्या तिथं जाऊ पण शकत नव्हत्या. आणि जी अपेक्षा होती की ज्या पद्धतीनं त्यांना मदत मिळायला पाहिजे होती, कारण SDRF याच्यामार्फत केंद्र सरकार मदत करत असतं. आम्ही ज्यावेळेस उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालवत होतो त्यावेळेस अशा प्रकारची नैसर्गिक संकटं चक्रीवादळाची किंवा अतिवृष्टीची आली तर आम्ही SDRFचे नॉर्म बाजूला ठेवून त्याच्यामध्ये अडीचपट तिप्पट वाढ करून लोक शेतकऱ्यांना मदत करायचो. ह्यावेळेस एक गोष्ट पाहायला मिळाली की अतिवृष्टीमुळं मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या देखील चित्र विशेषतः मराठवाडा विदर्भामध्ये पाहायला मिळतं आहे. आणि हे अतिशय दुर्दैवी शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातनं गोष्ट घडलेली आहे. शेतकरी बळीराजा हा लाखांचा पोशिंदा आहे आणि असाच पोशिंदा आज अडचणीतमध्ये असताना एकतर मंत्रिमंडळ वाढ होत नाही आहे. काही विचारलं तर ते सांगतात आम्ही दोघं करतो आहे ना. वास्तविक एवढ्या मोठ्या राज्याचा कारभार दोघांनी चालवणं अशक्य गोष्ट आहे, कारण प्रत्येक फाईल ही मुख्यमंत्र्यांच्याकडे आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्याकडे जात असते. आम्ही देखील प्रशासनामध्ये अनेक वर्ष काम केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटच्या सगळ्याच फाईल फक्त ह्या दोघांच्याकडेच जर जायचं म्हटलं तर दिवसभर सह्या करायचं म्हटलं तरी ते शक्य नाही. मग फाईल मोठ्या प्रमाणावर थांबून राहतात आणि त्याच्यातून जो कारभार राज्याच्या जनतेच्या दृष्टिकोनात व्हायला पाहिजे, त्यांचे प्रश्न सुटायला पाहिजेत, ते प्रश्न सुटताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही. आता त्यांना एवढं मोठं बहुमत मिळालेलं आहे हे त्यांनी सभागृहात दाखवलं आहे, तर मग मंत्रिमंडळाचा विस्तार का करत नाही? आज कुठंही काही घडलं तर हे दोघांना जावं लागतं. त्याच्याऐवजी
बाकीचे सहकारी बरोबर घेतले तर आपले 36 जिल्हे 36 जिल्ह्यामध्ये 36 लोकांना पालकमंत्री म्हणून पाठवता येतं, त्यांच्याकडून आढावा घेता येतो, ते तिथं जाऊन जे काही तातडीनं निर्णय घ्यायचे असतात जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि तिथले त्या भागातले खासदार आमदार लोकप्रतिनिधी आणि ग्राम जे सामाजिक कार्यकर्ते अशा पद्धतीनं गोष्टी घडत नाही हे खरं तर दुर्दैव आहे। आज पण मी काही प्रश्नांच्या करता मुख्यमंत्री महोदयांना भेटलो इथं नागपूरला यायच्या आधी, त्यावेळेस मी त्यांना विनंती केली की मुख्यमंत्री महोदय काय कारण आहे की मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही आहे, ते म्हणले नाही आता आम्ही करणार आहोत, करणार आहे म्हणतात परंतु होत नाही हे मात्र उभा महाराष्ट्र बघतो आहे आणि त्याच्या पाठीमागचं कारण मग त्यांना दिल्लीतनं परवानगी मिळत नाही का आणखीन काही त्यांच्या वेगळ्या समस्या आहेत ते समजायला त्या ठिकाणी मार्ग नाही। शिवाय पावसाळी अधिवेशन जुलै महिन्याच्या 15 तारखेला 18 तारखेला म्हणजे किंवा तिसऱ्या आठवड्यात जुलै महिन्याच्या असं होतं ते पण अधिवेशन बोलवलं जात नाही। मी ती पण मागणी केली की तुम्ही अधिवेशन बोलवा, अधिवेशनामध्ये आम्हाला ज्या काही अडीअडचणी आहेत ते विधिमंडळात सांगता येतील आणि वेगवेगळ्या आयुधाचा वापर करून तेव्हा आम्ही लॉन्चमध्ये बसलो होतो त्याच्यावेळेस तिथं पण आमच्या लक्षात आलं की हे अशा प्रकारचं चित्र आहे। आता उद्या सकाळी अर्ली मॉर्निंग मी बाबा आत्राम आम्ही बहुतेक सलील भायाबरोबर येईल असे आम्ही काही जणं गडचिरोलीला चाललो आहे सकाळी लवकर आणि मग नंतर गडचिरोलीला अर्धा दिवस देऊन चंद्रपूरला येणार आहे आणि रात्री उशिरा पुन्हा नागपूरला परत येणार आहे, त्याच्यानंतर मग वर्धा यवतमाळच्या काही तालुके आणि ते घेऊन मग मी नांदेड बीड आणि हिंगोली करून औरंगाबादला जाणार आहे। 4 दिवसाचा गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार अशा पद्धतीचा दौरा करायचं मी ठरवलेलं आहे। माझ्याबरोबर दिलीप वळसे पाटील पण येणार होते पण लास्ट क्षणाला काही त्यांची अडचण आणि त्यांनी रद्द केलं। नांदेडपासून मात्र धनंजय मुंडे माझ्याबरोबर आहेत अशा पद्धती आणि त्या त्या भागातले माझे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते अध्यक्ष इतर सहकारी शेवटी त्याच्यातून आम्हाला काय नक्की वस्तुस्थिती फील्डवर आहे म्हणजे इतरांचं ऐकणं तेही महत्त्वाचंच असतं परंतु प्रत्यक्ष जाऊन बांधावर जाऊन त्या शेतकऱ्याशी बोलून काय अडचण आहे ते समजून घेतली तर ते मुद्दे अधिक अधिकारवाणीनं सभागृहामध्ये विरोधी पक्षाच्या वतीनं मांडता येतील। शिवाय प्रशासनातले जे अधिकारी असतात त्यांनाही काही गोष्टी विचारून किंवा काय तुम्हाला अडचण आहे हे पण लक्षामध्ये घेतलं तर त्याही पद्धतीनं तेही मुद्दे मांडायला सोपं जातं, त्याकरता हा मी दौरा आखलेला। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जहां हर दिन औसतन 200 मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं आज स्वाइन फ्लू के 6 मरीज सामने आने से शहर में डर का माहौल बन गया है। इसी के साथ ही कोरोना के 291 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 2 मौतें दर्ज की गई है। इसलिए नागपुर वालों की चिंता बढ़ती जा रही है। जहां पहले स्वाइन फ्लू के 14 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं आज संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के साथ इस साल नागपुर शहर में इन्फ्लुएंजा AH1N1 या स्वाइन फ्लू के कुल 22 मामले सामने आए हैं। इनमें से 16 मरीज नागपुर नगर निगम सीमा के हैं और 6 मरीज शहर के बाहर के हैं। पिछले कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नगर महामारी विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कुल 18 रोगियों के प्रयोगशाला परीक्षणों में पॉजिटिव रिपोर्ट्स प्राप्त हुए हैं। हालांकि स्वाइन फ्लू एक हल्की बीमारी है, लेकिन ये उच्च जोखिम वाले समूहों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या प्रतिरक्षणात्मक व्यक्तियों से गंभीर हो सकता है। इसलिए महामारी विज्ञान विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन नवखरे ने इसे हल्के में न लेते हुए सतर्क रहने की अपील की है। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन की हद में कलमना फ्लाईओवर पर कल 20 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कलमना परिसर में कल रात फ्लाईओवर पर 20 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार कल दोपहर मिर्ची व्यापारी मोहन साजवानी ने अपने यहां काम करने वाले एक व्यक्ति को कलमना स्थित एक व्यापारी से 20 लाख की रकम लाने के लिए भेजा। वापस आते हुए 3 लड़कों ने उस व्यक्ति को कलमना फ्लाईओवर पर रोककर उससे पैसे छीन लिए। इसके बाद वो लड़का डर गया और भाग गया। फिर घर वालों ने मोहन साजवानी को संपर्क कर घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी पुलिस विभाग को रात को मिली और पुलिस हरकत में आ गई। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति के कारण थोक और खुदरा बाजारों में सब्जियों की आवक कम हो गई है। इससे सभी सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। भारी बारिश के कारण खेतों में सब्जियों की कटाई नहीं हो पा रही है और बड़ी मात्रा में सब्जियां सड़ने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। थोक बाजार में 60 रुपए किलो बिक रहा बैंगन थोक बाजार में 100 रुपए पर पहुंच गया है। मेथी 120 से 150 रुपए प्रति किलो हो गई है। अधिकांश सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार चले जाने से स्थिति ये हो गई है कि उपभोक्ता भी बाजार में नहीं घूम रहे। राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश जारी है, जिससे सब्जियों की आवक काफी कम हो गई है। सब्जियों के ट्रक आवश्यकता से कम आ रहे हैं, जिस वजह से सब्जी विक्रेताओं ने कहा है कि सब्जियों की कीमतें बहुत अधिक है। आज के बाजार भाव के हिसाब से प्रति सब्जी 30 रुपए से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नागपुर और बुट्टीबोरी सेंटर द्वारा सम्मेलन का आयोजन आने वाली 7 अगस्त को किया जाएगा। इसकी जानकारी एसोसिएशन द्वारा कल प्रेस मीट के दौरान दी गई। 1941 से कार्यरत बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नागपुर में आने वाले 7 अगस्त को किया जा रहा है। इस संगठन की कुल 200 शाखाएं हैं। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा के लगभग 300 प्रतिनिधि सहभाग लेंगे। इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। साथ ही दिन भर बिल्डरों की विविध समस्याओं पर चर्चा आयोजित की गई है। मीट द प्रेस का आयोजन किया गया है, क्या इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में बताइए। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट करके अपने नागपुर को 20 साल बाद ये सम्मान मिल रहा है और मुझे पूरे नेशनल लेवल पे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट जोन करके मुझे चुना गया है। तो वो उसके प्रीत्यर्थ और अपने यहाँ 20 साल के पहले मुंडले साहब करके नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं,
उनका योगदान देखते हुए उनको अपने को जीवन गौरव पुरस्कार देना था। और ये जो वेस्ट जोन में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, तो अंतर्राज्यीय स्टेट की अपने को एक कॉन्फ्रेंस लेना है। वो कॉन्फ्रेंस के लिए अपने ऑल ओवर इंडिया से वेस्ट जोन से लोग डेलीगेट्स आ रहे हैं। वो डेलीगेट्स करीब करीब 300 से प्लस होने वाले हैं। प्लस ये सब कॉन्फ्रेंस को और मीटिंग को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है निमेश पटेल, वो निमेश पटेल आने वाले हैं जो कि अहमदाबाद से हैं। और उनकी भी जीएसटी के बारे में या रेरा के बारे में या कंस्ट्रक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बहुत सारी उनको जानकारी है और वो अच्छे लेवल से नेशनल लेवल पे और यूनियन मिनिस्टर को मिलके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का उनका बहुत मानस है और वो कर रहे हैं। तो उनका भी अपने ये नागपुर नगरी में पहली बार आ रहे हैं और ये सब कॉन्फ्रेंस को नितिन गडकरी साहब आंध्रवर यूनियन मिनिस्टर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा काम है, उनका भी अपने को सत्कार करना है। उनको भी अपने नागपुर के तरफ से, नागपुर वालों के तरफ से और हमारे बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से एक विकास पुरुष करके उपाधि देने का हमारा मानस है। उसके लिए सब हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा कार्यक्रम करने के लिए आप सभी का सहयोग होना चाहिए और आप सभी ने शामिल होना चाहिए। उसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। सर ये कब आयोजित होने वाला है? 7 अगस्त को शाम को 7 बजे एयर अपना सेंटर पॉइंट होटल रामदास पेट में होने वाला है, पहले शिव हॉल में। इसका मेन पर्पस क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, आपको मेरे प्रीवियस स्पीकर आदरणीय नगरारी जी ने और अठौले जी ने आपको बता दिया क्या पर्पस है, क्यों हो रहा है। मैं तो, मेरा तो एक ही चीज़ मानना है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे, जब से ये नया गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट आई है, बहुत सारे लॉज ला दिए हैं। उसके कारण जो बिल्डर्स लोगों को भी तकलीफें हो रही हैं, जैसे रेरा है और बहुत सारे बिल्डरों के ऊपर तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, उसके कारण जो तकलीफें हो रही हैं उसका सब डिस्कस करना और उसके लिए मार्गदर्शन लेना, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर सकें। ये एक हमारा माध्यम है ताकि गवर्नमेंट हमारे जो प्रोजेक्ट इतने डिले करती है, इसका जो कॉस्ट ओवर रन होता है, इसके लिए हम सोल्यूशन चाहते हैं। तो एक हमारा प्लेटफॉर्म है ताकि हमारा ये एक तरीके से मंथन हो सके और उसमें कुछ एक सोल्यूशन निकल सके, ताकि हम गवर्नमेंट के ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें। तो वीकेबी न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।